छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 45 दिन और स्कूल बंद रहने पर मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन देने का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा है कि स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन के विकल्प में 45 दिन सूखा राशन दिया जाएगा। स्कूल भले ना खुले लेकिन मध्यान्ह भोजन दिया जाएगा। तो वही मंत्री यहाँ पे टेकान ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि योजना किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही गड़बड़ी बर्दाश्त की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने से खास बातचीत की है सहयोगी सत्या राजपूत ने। बच्चा भूखा ना रहे और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करे। जब बच्चों का पेट भरा होता है तो वो कुछ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनका मन अच्छा होता है। इसका ख्याल रखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान का, पिछले लॉकडाउन का राशन उनके घर भिजवाया गया था, क्योंकि घर घर जाके खाना पहुंचाना मुश्किल है, ऐसे वक्त में सूखा राशन दिया गया था। फिर लॉकडाउन अभी एक सप्ताह का है जहां कलेक्टरों ने आदेश किया है और आज ही आदेश हो चुका है कि 6 अगस्त तक लॉकडाउन होगा। ऐसे में सरकार ने क्या फैसला लिया है, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, फिर लॉकडाउन बढ़ा है तो इस बार राशन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, कोरोना वायरस का जिस प्रकार प्रकोप है उसको देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति तिथि बढ़ाई जा रही है, विचार किया जा रहा है। चूंकि स्कूल बंद है इसलिए बच्चों को गर्म भोजन हम नहीं दे पाएंगे, तो जैसा पहले हम लोग ने किया था कि उनकी मध्यान्ह भोजन का जो चावल दाल बड़ी इत्यादि जो भी सामग्री होता है उनको हम लोग घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि बच्चों की जो मध्यान्ह भोजन है इससे उनका जो लाभ होगा, अभी इस प्रकार की व्यवस्था उसमें की जा रही है। और दूसरी व्यवस्था की हम सोच रहे हैं कि किताबों को भी, जो किताब हैं उनको भी उनके घर तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी जिस माध्यम से चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई हो, लेकिन अगर किताबें अगर घर में रहेंगे तो बच्चे और उनके पेरेंट्स मिलकर इनको पढ़ाई वो लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हम लोग व्यवस्था करें, भोजन का भी व्यवस्था कि उनके घर तक पहुंच जाए राशन, सूखा राशन, और किताबों की भी वहाँ पहुँच जाए, इसकी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। इस बार कितने दिनों का राशन दिया जाएगा? क्योंकि और एक बड़ा अहम सवाल है, पिछले बार जब राशन है तो कई अधिकारी ऐसे सामने आए थे जो इसमें घोटाला करते, आपके संज्ञान में आने पे आप कार्रवाई भी की है, तो इस बार ऐसा न हो इसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, इस बार हम सूखा राशन जो देंगे वो 45 दिन का है, 45 दिन का जो मापदंड होता है उसके अनुसार से हम देंगे, और इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी करना चाहे तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। तो बच्चे का यहाँ विशेष ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का मंशा है कि कोई बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए 45 दिन के राशन देने का योजना बना ली गई है। साथ ही जो अहम ये है कि पुस्तक जो है अगर बच्चों के पास मौजूद है तो अपने घर में पढ़ सकते हैं, जो लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई होगी तो पुस्तक सामने रहेगा तो विषय ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह के शिक्षा विभाग कोरोना काल में प्रयास कर रहे हैं, अब देखना ये होगा इसकी सफलता कितना आगे जाके मिलता है। कैमरामैन शाम के साथ सत्यराज कुशवाहा, राज एक्सप्रेस, सहकूट।